शॉपिंग करते करते अब सब्जी लेने आए हैं और सब्जी लेते लेते बारिश आ गई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा है कि आज हम जाने वाले हैं चित्तौड़ और आज है सूरज पूजन, जिसमें कि हम मोनू भाभी से भी मिलेंगे, बाबू से भी मिलेंगे। सो कैसा क्या जाता है दिन देखते रहिए। और फुल्ली लुक मेरा कुछ ऐसा है और बहुत ही प्यारी से मैंने साड़ी वियर की है। सो देखते हैं कैसे क्या दिन रहता है, कहाँ कहाँ जाते हैं। सो बने ही रहिए ब्लॉग में। और अभी 10:15 बज चुकी है, हमारे को जल्दी से निकलना भी है। सो मैं फटाफट से यहाँ हो जाती हूँ। सबसे पहले मैं मेरे पिटारे को बिखेरने के बाद फटाफट से मैं रेडी होने वाली हूँ। ये देखो पूरा लुक इस साड़ी का, जैसा कि अभी ट्रेंडिंग है पिटा वर्क, उस वैसे टाइप की ये साड़ी है और बहुत अच्छा इसका फैब्रिक है। बिल्कुल सॉफ्ट सा फैब्रिक है और वर्क भी बहुत प्यारा है, जैसे जाल वाला देख रहा हूँ। मैंने ना अभी फाउंडेशन भी चेंज किया है, पहले मैं फेसेस कनाडा वाला यूज़ कर रही थी, अभी है टोमेटो करके उसकी ब्रांड है। तो ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका भी कवरेज है। और जैसे कि मैं कंसीलर भी लेके आई थी, वो भी अप्लाई करती हूँ, वो भी बहुत प्यारा है। और उसके मेरे को नाम बहुत सारों ने पूछा है कि आप कौन सा कंसीलर लेके आए हो फाउंडेशन स्टिक, तो ये वाली है कलर्स क्वीन की। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, प्लस आपको ऐसी शॉप पर भी मिल जाएगी, नॉर्मली शॉप पर भी आप ले बाय कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा भी है, थोड़ा तो क्या बहुत ज़्यादा जल्दी करना है, क्योंकि मम्मी पापा और ये लोग भी वहाँ से निकल चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि हम भी टाइम पर पहुँच जाएँ, क्योंकि फंक्शन जब ख़त्म हो जाए और फिर अपना जाना हो तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता, जाना भी और वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जाते भी जैसे कि जैसे ही है, टाइम भी वैसा का वैसा अपन लगाते हैं जाने में, वहाँ पर रुकने में, और प्रोग्राम ही अपन नहीं देख पाए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। सो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, उनको भी नहाना ही है, वो थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं तो वो मैनेज कर लेंगे अपन। पर मैं अगर लेट हो गई मेरी वजह से तो मेरे को सब सुनाएंगे कि तूने लेट किया। सो मैं नहीं चाहती कि मैं सुनूं, इसलिए मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ और रेडी होके मैं मेरा काम कर लूँगी, वो उनकी मर्जी होगी तब रेडी हो। अभी उनको नहाना बाकी है, उनके सारे काम बाकी है, सो मैं भी ज़्यादा लोड नहीं ले रही हूँ और फटाफट मैं मेरा मेकअप कर लेती हूँ। आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि आपके हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं जब आपको आपकी फैमिली में जाना होता है? ऑलमोस्ट मैं ना करती नॉर्मल मेकअप ही हूँ, मेरे को ज़्यादा ब्रश यूज़ करके इतना हाई फाई मेकअप करना पसंद भी नहीं है। सो मैं नॉर्मली फटाक से हो जाती हूँ रेडी, मैंने मस्करा भी लगा दिया है, आईलाइनर अपने के ऊपर सूट ही नहीं करता है। सो अपन लगाएंगे काजल और क्या लगाना है, लिपस्टिक, बस हो गया अपना मेकअप डन। बस अब काजल लगाएंगे और थोड़ी सी आईब्रो सेट कर देंगे, हो गया काम, इतना सा टाइम लगता है। सो मेरा मेकअप हो गया है डन, मैंने लगा लिया है मेकअप फिक्सर ताकि मेरा मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे। और अब मैं कर लेती हूँ अपने बालों को भी कुछ अच्छा सा, क्या बनाया है, हेयर स्टाइल तो कुछ बनाना है नहीं, सिर्फ मैं सोच रही हूँ क्लच कर दूँ और अच्छी लगेगी, फिर भी ट्राई करते हैं कोई सी हेयर स्टाइल अगर बालों में सेट हो जाए और अच्छी भी लगे तो बना देते हैं।
अदरवाइज मेरे को ना ज़्यादा सिंपल लुक अच्छा लगता है, जैसे कि क्लच कर दो नॉर्मली, या फिर पोनी बना लो, या फिर बन बना लो, या फिर वो राउंड वाली हेयर स्टाइल बना लो, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल, ज़्यादा मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। सो अब मैं सोच रही हूँ राउंड वाली बना लूँ। हेलो, हेयर स्टाइल भी मेरी आधी बन चुकी है, बीच में मेरा फ़ोन आ गया था तो मैं उसको अटेंड करने लग गई थी। ना हो ना यार, सब चले गए। सो ये देखो मेरी हेयर स्टाइल मैंने कम्प्लीटली बना ली है, और अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा क्लच कर दूँ, क्योंकि मेरे जो बाल हैं ना वो बहुत उलझते हैं बहुत ज़्यादा। सो मैं ऐसे जैसे पोनी बनाते हैं वैसे टाइप में क्लच कर दूंगी, हाफ क्लच। ना अच्छी सी ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने सारी ज्वेलरी जो भी वियर करनी थी नॉर्मली वियर की है, सो ये मैंने वियर कर ली है। और कैसी लग रही है साड़ी ये भी बताना। और अभी मैं बना रही हूँ चाय कॉफ़ी, और अभी 11 बज चुके हैं, वैसे 11 बजे हमारे को निकलना है। लेट भी नहीं है एक्चुअली, मैं हुआ ही हूँ कि मम्मी जी पहले रेडी नहीं हुए क्योंकि उनको हो रहा था कि चलूँ नहीं चलूँ, फिर वापस से फ़ोन किया, डिस्कस किया चलना है नहीं चलना है। सो अभी वो रेडी हो रहे हैं, हम दोनों भी रेडी हो चुके हैं, और अब चाय दूध कॉफ़ी जो भी जिसको भी पीना है वो पी के हम निकल रहे हैं। तो सब रेडी हो चुके हैं, और अभी क्या आज 15 अगस्त है जैसा कि, सो आज हमारे अंकल जी की और इनके फ्रेंड की तरफ से खाना था स्कूल में, सो वो लोग खाना खाएंगे मम्मी और ये लोग, क्योंकि मेरे हैं आज व्रत। सो मैं ले रही हूँ फ्रूट आलू बुखारा, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा है अभी अभी, मतलब मैं ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ इसको। सो मैं ये खाऊँगी फ्रूट वगैरह, और वो लोग खाना खाएँगे, फिर हम निकलेंगे। टाइम देख लो अब, जैसा कि बज चुकी है 11:30, और मैं इनको सुबह से बोल रही हूँ कि 10 बजे अपन निकलेंगे, 10 बजे निकलेंगे, फिर भी 12 बज चुकी है, बज ही जाएगी अभी तो। खाना खाएंगे फिर निकलेंगे, देखते हैं कैसे क्या रहता है, फंक्शन कैसे अटेंड कर पाते हैं, कैसे क्या होगा, सो देखते रहिए। भाई गाड़ियाँ तो सारी स्कूल की, यहाँ पे स्कूल है मंदिर के उधर, हाँ दोनों है ना, वो अच्छा वाली बड़ी नहीं है तिरंगे। हाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। Yeah.
है ना, पुरुष कार्य कर रहे हैं इसमें, भैया जी इसको फोन में चल। हेलो, हाय हाय करते, पहले हाय करते, हाय करते, हेलो तो ये खाना हो गया स्टार्ट, और अंकल जी तो बस गाड़ी मिल गई और बस ड्रेस अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। रुद्रा इसके शूज भी ऐसे मैचिंग के, डिटो ब्लू कलर के। रुद्रा बाय बाय, बारिश आ गई, ले ले ले, चल 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 गाड़ी में, उधर घर पे ले जाओ। उल्टो उल्टो फोटो ले आओ, अरे जाओ, ये तो आपने तो मार दे बाबू, ये एक ही बात है, ये तो बात ही है। वाह ठीक है, बाय बाय। गर्मी जोरदार गर्मी आज चला तो करने दो ना, कोई बात नहीं, उनको हम जाके आ रहे हैं। तो हम लोग फंक्शन से फ्री होकर आ गए हैं, सारा काम हो गया है। बहुत गर्मी है आज, बहुत गर्मी चित्तौड़ में, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश नहीं हो रही है, तो इतनी उमस है ना। और अभी हम आए हैं थोड़ा शायद शॉप के लिए, कुछ गद्दे वगैरह कुछ लेना है, सो वो चीज़ देख रहे हैं दीपक जी और मम्मी जी, और मैं यहाँ पर बैठी हूँ बिकॉज मैं ना थक चुकी हूँ। सो अब ये लेंगे और फिर हम मार्केट में भी जाएंगे, फिर निकलेंगे हम घर के लिए। अभी बज चुके हैं वैसे चार से साढ़े चार बज चुके हैं, और अभी वो देख रहे हैं हमारे पर्दे की शॉप पर, जहाँ पर कि गद्दे भी बन जाएंगे शॉप के लिए। आ गई पसंद मम्मी से? हाय हाय हाय, खुश रहो खुश रहो, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, खुश रहो, जय श्री कृष्णा। शॉपिंग करते करते अब सब्जी लेने आए हैं, और सब्जी लेते लेते बारिश आ गई। खोल इसको, हाँ खोल, दोनों हाथ से खोल, खोल ना इसको, इसके अंदर ही से चॉकलेट खोलेगा तो देखो चॉकलेट मिल जाएगी। खोल, जोर लगा के खोल, ओ खोल ली, अरे खोल ली, अरे खोल ली, छोड़ ले, वो क्या कह रही पूजा मुझसे, हाँ ओ गिर गई। आज 15 अगस्त पे तो बलून लगा रखे हैं इन्होंने ट्रेन पे भी, बहुत अच्छे से तिरंगा भी लहरा रखा है। सो हम अभी आए हैं पद्मिनी मॉल, और यहाँ से लिया है मैंने एक डस्टबिन, और अभी तो थोड़ा बहुत और काम है इनको, सो वो करेंगे फिर निकलेंगे। बारिश आ रही है जैसा कि देखा है आपने, बहुत तेज आ रही है, ये देखो मेरा कुमकुम भी निकल गया, पसीने से नहीं निकलता है पर बारिश ही निकल गया। बलून ये सब खा रहे, पानी पूरी। आज मेरे फास्ट है, सो मैं यहीं पर बैठी हूँ, और मेरे साथ कंपनी में शिवू। शिवू कौन सी खा रहा है दिखा, ये खो रहा है, कौन सी है ये, तोरी तोरी कैसी है? आवाज बहुत आती है। हर्षु दीदी को भी खिला दे। मेरे को भी खिलाना, मेरे को भी खिलाना, आ ये बोलो पवित्र, चलो बोलो क्या है ये, थत्ता है नहीं है,
और चौदह होता है चार पानी पूरी खाई। ये क्या कर रहे हो? निकालो नालो हटो भैया। ये देखो उधर चल रही है पानी पूरी पार्टी। हमें इधर खाने गुड़ा आईफोन का अच्छा नहीं होता है। इतनी ज्ञान किसने दिया आपको इतना सारा? जैसा कि आप सबने देखा ही कि हम लोग बुआ को भी लिया हमने क्योंकि राखी आ रही है और हमारे दादाजी की भी फर्स्ट राखी है। सो आज ही मतलब बुआ और ये लोग भी आने वाले थे सो हमने उनको भी वहाँ से चित्तौड़ आ गए वो और चित्तौड़ से फिर हमारे साथ आ गए और राखी है। सो मैं भी इस बार राखी पे जल्दी नहीं जा पाई क्योंकि हमारे दादाजी की फर्स्ट है सो यहाँ पर ही रुकूंगी। और कैसे क्या रहता है इस बार राखी का प्रोग्राम ससुराल में सो आप सबसे शेयर करूँगी। और आज का दिन बहुत अच्छा सा निकला, आप सबने देखा ही बहुत अच्छे से हमने हमारे घर में बहुत सारे जने मतलब कि आज बच्चे सब लोग आ चुके हैं तो इन सबके साथ भी आएगी वीडियोस। फिलहाल मैं ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मातरम कहता है जो वंदे मातरम कहता है क्या होता है? अच्छा ओके बस बाय बाय गुड नाइट। हम पहुँचे हैं 8 बजे घर पर। हम मार्केट में गए, मार्केट में शॉपिंग की और हम लोगों ने बहुत सारे मजे भी किए। 8:15 हो रहे हैं, बच्चों ने कब्जा कर लिया है देखो। अब पैसे चलेगी और बच्चे यहीं बैठे रहेंगे और बच्चे घूम रहे राखी तक ऐसे ही चलने वाले। अच्छा वो उस सामने वाले बेटी कहाँ जानी? टीवी भी दिखूंगा कि टीवी में बेटी जानी बाय बाय दिखा दिखा। तो अभी तक व्लॉग कंटिन्यू है, खत्म नहीं होता है। 9:30 बजे है और अभी हम सब जाने वाले हैं मंदिर। यहाँ पर सब तैयार हो रहे हैं। शिबू हाय करो। शिबू हाय हाय। शिबू की चोटी बन गई क्या? शिबू की तो मत्ती हो रही रहा है। तो बस हम लोग पहले मंदिर जाएंगे सावलिया सेट के आएंगे। चलो 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 बुआ चले।